अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुक विद ज़ोया के किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए जो जो सामान है यहाँ पे हम लिए हैं, यहाँ पे हम टमाटर लिए हैं 4 से 5, पुदीना है थोड़ा सा, हरा धनिया है 1 मुट्ठी, यहाँ पे 6 से 7 हम हरी मिर्ची लिए हैं, इस तरीके से बीच में से उसको फाड़ लिए हैं। फूड कलर है 2 से 3 चम्मच, हम यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट लिए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं धनिया पाउडर है 3 से 4 चम्मच, यहाँ पे बिरयानी का मसाला है 2 चम्मच, लाल मिर्च है 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी है। यहाँ पे हम बिरयानी का चावल लिए हैं 1.5 किलो के आसपास, आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। यहाँ पर हम ये प्याज को इस तरीके से फ्राई करके लिए हैं, ये 1 किलो से थोड़ा सा कम प्याज है, इसको हम इस तरीके से फ्राई करके लिए हैं। यहाँ पे हम 1 किलो चिकन लिए हैं, अच्छे से इसको वॉश करके और रख लिए हैं। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से खड़ा मसाला लिए हैं, ये दालचीनी है, सफ़ेद इलायची है 4, लौंग है, ये फूल है, काली मिर्च है और ये बड़ी इलायची है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। 1.5 किलो से ज़्यादा हम यहाँ पे दही लिए हैं, नमक है और ये पिसा हुआ जीरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना। इस तरीके से एक हम पतीली लिए हैं बड़ा सा, इसके अंदर ये देखिए मैं अपना जो चिकन है इसके अंदर डाल दी हूँ। अब इसमें हम अपना मसाला ऐड करेंगे, तो सबसे पहले मैं जो हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इसको डाल देंगे। अब इसके अंदर हम जो ये मसाला लिए थे ये मसाला सब इसके अंदर हम डाल देंगे। जीरा का पाउडर है 1 चम्मच, ये भी डालेंगे। अब इसके अंदर हम जो हमारा दही है दही भी इसमें डाल देंगे। इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैं यहाँ पे 2 चम्मच के आसपास नमक डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है। अब इसके अंदर हम ये जो हमारा हरा धनिया है ये आधे से ज़्यादा डाल देंगे, थोड़ा सा रखेंगे डेकोरेट के लिए। जो ये हरी मिर्ची चॉप किया हुआ है इस तरीके से इसको भी डाल देंगे, पुदीना भी डाल देंगे। पुदीना हमारा थोड़ा सा है, आप अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि पुदीना से टेस्ट और खुशबू दोनों बढ़ जाता है। ये जो हमारा टमाटर है इसको भी हम डाल देंगे इसके अंदर, फिर इसको हम वापस से अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर, कोथमीर ये सब डालने के बाद मिक्स कर लिए। अब जो हमारा खड़ा मसाला है इसे भी इसके अंदर डाल देंगे। ये जायफल है इसको हम घिस के डालेंगे, बाकी ये बड़ी इलायची ये सब जो मसाले हैं इसको हम इसके अंदर ऐड कर दिए। ये जायफल को घिस के और डालेंगे ताकि इससे खुशबू अच्छी आए। मसाला डाल के सब मिक्स कर लिए हम। अब इसके अंदर हम अपना ये जो फ्राई किया हुआ प्याज है इसको डाल देंगे, ये हम पूरा नहीं डालेंगे, इसमें से भी हम थोड़ा सा बचाएंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। तो इसको अच्छे से इस तरीके से हाथ से मसल मसल के डाल देंगे। अगर ये फ्राई करना आपको थोड़ा हार्ड लगता होगा तो आप सीधे प्याज को तेल में तल के और फिर अपना चिकन उसमें पका सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी होगा, टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। तो ये देखिए ये हम डाल दिए हैं, अब इसको मिक्स करके और रख देंगे रेस्ट पे। ये हमारा आधा घंटा हो गया है चिकन को रख के। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, ऑयल हम 4 से 5 चम्मच डालेंगे और इसको हम चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। तो चलिए इसको पकाते हैं ऑयल डाल के। जो हम चावल लिए थे बिरयानी का
ये आप देखिए, इसको अच्छे से वॉश कर लिए हैं। वॉश करके इसको भिगा कर रख दिए हैं। जब तक हमारा चिकन बनेगा, जब तक इसको हम भिगो के रखेंगे, उसके बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। तो चलिए इसको भिगा के साइड में रख देते हैं। जो हम चावल भिगा के रखे थे, अब उसको हम एक बड़े पतीले में डाल दिए हैं और इसमें पानी डाल दिए हैं और 2 चम्मच के आसपास इसमें हम ऑयल डाले हैं। इसको हम पकने के लिए रखेंगे। और ये चावल के अंदर हम 1 चम्मच ज़ीरा, 5-6 लौंग, 3 सफ़ेद इलायची और ये 8 से 10 काली मिर्च, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच के आसपास इसमें हम सॉल्ट भी डालेंगे। ये देखिए, इतना हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको हम चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। जब हमारा चावल 70-80% हो जाएगा तो इसमें से हम पानी को अलग और चावल अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप चिकन हमारा देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये तेल की तरी ऊपर आ गई है। इसका मतलब ये कि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट गल चुका है। ये देखिए, इसका जो ग्रेवी है बिरयानी के हिसाब से बहुत अच्छा हो गया है और इसका लुक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसको हम फ्लेम हम स्लो करके बना रहे हैं ताकि चिकन हमारा जो है वो गल जाए जल्दी से। और ये अब रेडी हो चुका है तो इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हमारा चावल जब पक जाएगा तब इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारा हो चुका है अच्छे से। ये मैं आपको दिखा दूं कि ये किस तरीके से पका है। ये देखिए, अब इसको हम एक छन्नी में निकाल लिए हैं। अब इसको किस तरीके से आगे का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस बर्तन में हम अपना चावल बॉईल किए थे, इतना बड़ा है। मैं कभी भी बिरयानी बड़े बर्तन में ही बनाती हूँ, मुझे छोटे बर्तन में बिरयानी नहीं जमता है। और ये देखिए, जो चावल मैं बाहर निकाली हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर चावल मैं छोड़ दी हूँ। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच के आसपास कुकिंग ऑयल डाल देंगे। 2 चम्मच के आसपास कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा चावल और ऐड करेंगे। इतना चावल डालने के बाद जो हमारा फूड कलर है वो 1 चम्मच के आसपास डाल देंगे। एक तरफ मैं नॉर्मल पानी में फूड कलर ऐड करी हूँ और एक तरफ मैं इस तरीके से दूध में ये फूड कलर ऐड करी हूँ। इसको अच्छे से इसमें डाल के और जो हमारा बना हुआ चिकन है उसको भी अब इसमें हम डालेंगे। इसके अंदर हम चिकन डाल दिए हैं, चिकन और मसाला इसमें डाल दिए हैं। कभी भी नीचे जब हम चिकन डालेंगे तो एकदम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। ये आप देख पा रहे हैं मैं इतना इसके अंदर चिकन और मसाला ऐड करी हूँ। अब इसके ऊपर हम वापस अपना जो सूखा चावल है उसको ऐड करेंगे। ये देखिए, चिकन डालने के बाद जो चावल था मैं इसके ऊपर डाल दी हूँ। ये आप जितना लेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं 2 लेयर करी हूँ। अब इसके ऊपर जो हमारा फूड कलर है इसको बहुत अच्छे से डाल देंगे। जब हमारा चावल पक रहा था तो उस वक्त मैं 1 चम्मच इसमें केवड़े का पानी भी ऐड करी थी। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं और नहीं तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अब ये डालने के बाद ये देखिए इस तरीके से मैं इसको दूध के साथ इसलिए ये फूड कलर डाल दी हूँ, थोड़ा हल्का फ्लेवर चेंज हो जाता है जो अच्छा लगता है। ये देखिए, ये हो गया। अब जो हम अपना प्याज फ्राई करके रखे थे उसको इस पर डाल देंगे। प्याज डालने के बाद जो हरा धनिया है, हरा धनिया भी पे डाल देंगे। अगर आपके इसके ऊपर आपको टमाटर डालना है वो भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च फाड़ के डालना है वो भी डाल सकते हैं, वो आपके ऑप्शन के ऊपर है। मैं ये 2 चीज़ इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब इसको हम किसी भी चीज़ से, कपड़े से या फिर फॉइल पेपर से अच्छे से रैप करके और स्लो आँच पे दम पे इसको हम 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन बिरयानी तैयार हो चुका है। ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से चावल एकदम अलग अलग हुआ है। इसको आप किसी भी सैलेड के साथ खा सकते हैं। ये बहुत यम्मी बना है।
आप देख पा रहे हैं कि कितना डिलीशियस दिख रहा है ये। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।